Hey, hi, it's my mom's 72 birthday. Tomorrow, मैंने कुछ बड़ा प्लान किया उनके लिए और हम लोग अभी जा रहे हैं विवांता सूरज कुंड वन नाइट स्टे के लिए. मैंने दो रूम्स बुक करे हैं, एक मेरे लिए एक पेरेंट्स के लिए, और हम वहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले हैं. जो उनको नहीं पता है, लेट्स सी देयर रिएक्शन थोड़ी देर में. और ये मेरे मम्मी पापा गाड़ी में बैठ गए हैं, ड्राइवर गाड़ी में है. उनको नहीं पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में सरप्राइज ओपन होगा. सब हम कार में बैठ चुके हैं, और ये है मैडम हमारी सबजोत, जो कार में बैठी है चुपचाप से देख रही है. तब हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं चेक इन करने के लिए, और एंटर कर चुके हैं हम लोग. मॉम डैड को पता नहीं है अभी कि हम यहाँ स्टे करने के लिए आए हैं. उनको लगा कि मैं लंच पे लेकर आई हूँ. ये हम रूम की तरफ जा रहे हैं, और मम्मी पापा आगे आगे चल रहे हैं. वेलकम टू द रूम. ये है बर्थडे सरप्राइज, ये आपका बर्थडे सरप्राइज है. ये आपका रूम है जिसमें ऑलरेडी डेकोर हुआ है. लुक एट देयर रिएक्शन. क्या लग रहा है मम्मी आपको? पता नहीं क्या लग रहा है, इतने छोटे बच्चों की तरह. ये आपके लिए फ्लावर्स पड़े हैं, ये डैड की तरफ से आपके लिए फ्लावर्स हैं. ये मम्मी और पापा ने आज पापा की तरफ से सरप्राइज है ये मम्मी को. कूल. मम्मी पापा अपने रूम में आ चुके हैं, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ. लेट्स गो टू अनदर रूम. हम लोग अपना रूम देखते हैं वो क्या है, और checking, and this is the washroom. Very nice. It's a good property. Vivanta by Taj Suraj Kund. Very nice. Let's go to another room. अब हम अपने रूम में आ गए हैं, और ये मेरा रूम है. Oh, it's so cool. Very nice. And ये मेरा बेड है, जो आज मैं इस पे आराम से सोऊंगी. वाओ, ये वॉशरूम है, बाथटब और बालकनी. लेट्स सी, वेरी नाइस. इसमें मैं आराम से बैठ के सुबह चाय पी सकती हूँ. काउंटर है, और बालकनी का रूम मिला है अपग्रेडेड वाला मुझे. सो लेट्स सी द बालकनी एज वेल. अब हम आ गए हैं बालकनी में, और मेरी मामा मेरे साथ आई हैं मेरा रूम देखने के लिए. सो शी इज़ हेयर नाउ, शी इज़ मेयर हेयर इन द बालकनी. मम्मी, आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है? आप कहाँ पर आए हो? आप कहाँ पर आए हो? और आपको पता है कि हम आज यहाँ स्टे करने वाले हैं? हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं. आपको पता है कि हम विवांता में बर्थडे के लिए आए हैं आज, और हम यहाँ पे स्टे करेंगे. वेरी नाइस, दैट्स अ सरप्राइज. प्रभजोत, वेयर आर यू? आप तो इतने बड़े बेड पे अकेले लेट गए हो. मम्मा के बेड पे है, साथ में प्रभजोत का है. अरे वाह, कहाँ पर आई है? ओह वाह, ए हा.
हाइट तो बहुत अच्छी है बेड की, इट्स वेरी नाइस ना। चलो एंजॉय, आज के दिन में एंजॉय करो यहाँ। तो हम लोग आज की रात यहाँ पे देवांता सूरज को रुकने वाले हैं एंड माय मॉम एंड डैड आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनके लिए मैंने अरेंजमेंट्स किए हैं बर्थडे के लिए। उनका 72 बर्थडे मनाने आई हूँ यहाँ पर और उनको हैप्पीनेस देने के लिए मैंने ये अरेंजमेंट्स किए। प्लस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बहुत खुश हुए हैं छोटी सी एक खुशी देके मेरे। थैंक यू। देखने वाली तो यहाँ पे चाय बनाने उसमें वो खोलो। चाय बनाने वाले हैं और मैंने इसमें पानी डाला है केटल में, पानी गर्म हो रहा है और 2 कप चाय बना रही हूँ। एक मैं अपने लिए बना रही हूँ और एक आशा के लिए बना रही हूँ जो अभी मेरी बेटी को खिला रही है, उसको भूख लग रही है। आशा और मैं 2 कप चाय पियेंगे गर्मा गर्म और साथ में हम कुछ ये फन चीज़ लाए हैं खाने के लिए, नाइस बिस्किट्स, सॉल्टेड पीनट्स और हम इंजॉय करने वाले हैं अभी अपने रूम में गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चाय का लुत्फ हम उठाएँगे बिस्किट के साथ। एक गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाने वाली हूँ, बहुत ही खुशबू आ रही है क्योंकि मसाला चाय है और साथ में मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है क्योंकि मुझे निकले हुए घर से 1.5 घंटा हो गया। तो मैं ये नाइस बिस्किट्स खाने वाली हूँ चाय के साथ, थोड़ा इंजॉय करने वाली हूँ इस गर्मा गर्म चाय के साथ और फिर आराम से इस रूम का इस चाय का लुत्फ। अब मैं जा रही हूँ होटल को एक्सप्लोर करने एज़ दिस प्रॉपर्टी इज़ एट सूरजकुंड, इसको एक्सप्लोर करके आते हैं। अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और आई थिंक ये शाम को खुलता होगा, ये बारबेक्यू लग रहा है मुझे। एंड ओके, ये है ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट जिसका नाम है ओएसिस। ओके, तो हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पर हम देखने आए हैं कि इनके पास क्या क्या है। तो इस प्रॉपर्टी में ये है ऑल डे डाइनिंग, ये ऑल डे डाइनिंग है यहाँ पे और इसका नाम है ओएसिस द ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमें लंच भी करना है और हमें डिनर भी करना है। सो अभी इसके अंदर जाएंगे, इससे पहले हम प्रॉपर्टी में देखें कि और क्या क्या है इनके पास। ये बहुत सुंदर सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इनका, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, वाओ, फ्लावर्स हैं एंड इट्स चाइनीज़, मुझे लगता है कि ये चाइनीज़ डेकोर है। ओके, सो ये इन्होंने केक के डिज़ाइंस लगाए हुए हैं तो जिसको भी अगर केक लेना हो यहाँ से विवांता बाय ताज में, मैरिज एनिवर्सरी केक, बर्थडे केक्स, यू नो कुछ भी तरीके के केक्स हैं, सो यू कैन बाय दिस ऑल, पाइनएप्पल पेस्ट्रीज और बहुत कुछ है यहाँ पर जो अभी एक्सप्लोर करना है मुझे। सो अच्छा, ये क्या है? अच्छा, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के इन्होंने कुछ हैम्पर्स बनाए हैं दिवाली को लेके, सो मेक योर ओन हैम्पर। यहाँ पर आप अपना भी हैम्पर बना सकते हो जिसकी स्टार्टिंग 899 रुपीज़ से है। मिठाई बॉक्स है, दिवाली फॉर्चून लगा हुआ है एंड यू कैन सी दैट कि ब्रेड्स हैं, सुंदर सुंदर दियाज हैं, आलमंड्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत कुछ है जो इन्होंने कवर किया है। बहुत ही ब्यूटिफुली इन्होंने दिवाली हैम्पर्स बनाए हैं जो आप गिफ्टिंग कर सकते हो दिवाली को एंड इट्स ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट हियर। सो अब हम लॉबी में हैं इनकी और लॉबी में आप ये देख सकते हो इनका होटल प्रॉपर्टी, साथ साथ नाइस प्रॉपर्टी, इट्स गुड, आई लाइक इट। सो बहुत सुंदर सी पेंटिंग है जो कि ओके आई थिंक पास जाके देखते हैं पेंटिंग के।
कैनवस पे बनी हुई है ये पेंटिंग एंड ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड। और ये है इनका एंट्रेंस, लगेज यहाँ से आता है एंड वो सामने है रिसेप्शन जहाँ पर आपको कीज मिलेंगी एंड आप एंटर करोगे। एंड लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी यहाँ से, फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, वहाँ देखते हैं आज क्या बना हुआ है। बहुत भूख लग रही है मुझे। प्लीज नाम है परांदा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो अलग अलग ऑर्डर करने के लिए।
तो यहाँ पे दाल पराठा है, बटर पनीर मसाला है, पिंडी चना है, पनीर टिक्का है, बहुत कुछ है। मेन्यू उनका बहुत ही बढ़िया है। जोश, ये खाना खाकर आ गई अब और आराम से अपने बेड में आराम से घुस गई है कि इसको अब नींद आ रही है, क्योंकि इसने खाया पनीर, इसने खाई रोटी और अभी नींद नहीं आ रही है। ओहो, शी इज नाउ अबाउट टू स्लीप। और यहाँ पे हमारे जाने के बाद ये लोग फ्रूट प्लेटर भी रखे गए हैं। हाँ, तो एक कीवी है, आई लाइक दिस, एंड एक एप्पल है, दो बनानाज हैं, नाइफ रखे गए हैं, तो शाम को खाएंगे हम। उससे पहले थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए और थोड़ा चाय पिए जाएंगे खाने के बाद थोड़ी देर बाद। तब तक हम देखें कि लोग क्या कर रहे हैं बालकनी से। तो मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ, खाना खाकर आई। बहुत ही मज़ेदार खाना था, दाल परिंदा एंड बटर पनीर मसाला एंड वो गार्लिक नान, बहुत टेस्टी था। कभी आएंगे तो यहाँ पे आके खाइएगा। और अभी मैं देख रही हूँ कि धूप है, गर्मी बहुत हो रही है, सो बाहर लोग नहीं निकले हैं बिकॉज बहुत तेज़ धूप है। बहुत सुंदर सा लोकेशन है, गार्डन है, बहुत ग्रीनरी है जो नॉर्मली हमें नहीं मिलती है दिल्ली में। सो यहाँ की फ्रेश एयर, यहाँ की तरोताज़ा हवा, मैं आई हूँ यहाँ पे एक दिन का स्टे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपनी ज़िंदगी को, साथ साथ अपने पेरेंट्स को यहाँ न्यूज़ देने के लिए, उनका 72 बर्थडे मनाने को। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर फीलिंग वेरी वेरी चार्ज्ड अप। सो गिव देम द हैप्पीनेस व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। स्विमिंग पूल देखने एंड स्पा देखने, लेट्स हेड टू द स्विमिंग पूल। यहाँ पर स्विमिंग पूल कैसा है और यहाँ पर स्पा कैसा है, स्टे ट्यून्ड विद मी। हम पहुँच चुके हैं स्पा में, दैट्स जीवन स्पा। बाकी सब लोग आराम से चेयर पर बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, एंड वाटर इज सो क्लीन एंड सो नाइस, बहुत सुंदर सा लग रहा है। बच्चे जाने वाले हैं स्विमिंग पूल के अंदर जंप करने के लिए। मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ और मैं भी आराम से इस झूले पर लेती हूँ। कितनी अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं, हम आए हैं जिम में। लेट्स सी हाउ इज द जिम। ओह वाओ, जिमिंग वेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, वर्कआउट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। पीपल हु लव वर्किंग आउट कैन कम हियर। वेट लिफ्टिंग, क्रॉस ट्रेनर, साइकिलिंग, ट्रेडमिल्स,
सब कुछ है यहाँ पे. यू कैन कम हियर फॉर अ स्टे एंड यू कैन कम हियर टू एंजॉय. यहाँ पे है फोक स्टूडियो. सो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, यहाँ पे टेबल टेनिस खेल रहे हैं. राइट, एंड दो लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ दिस, इज़ इट इजी? सो एक्सप्लोर करते हैं होटल को, प्रॉपर्टी को. बहुत ही सुंदर क्ले से बनाया हुआ है, मिट्टी से. और ये यहाँ पे क्ले के डिज़ाइंस हैं जो बहुत सुंदर 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 डिज़ाइंस बने हुए हैं. हाथों से बनाई हुई हैं चीज़ें. बहुत मज़ा आता है जब हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसकी फील अलग आती है, उसका अंदर से लुत्फ अलग आता है, अंदर से बहुत आनंद मिलता है. हाय जी, आपका नाम क्या है? ओके, अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं पॉटरी बनाना सिखाता हूँ और ये सब पॉट्स मैंने ही बनाए हैं. अरे वाह, बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं. टेराकोटा क्ले से बनाए हुए हैं. अच्छा, yes. तो कितने 10 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, विमानता में मैं पिछले 6 महीनों से वर्किंग हूँ. अच्छा अच्छा, पॉटरी आर्टिस्ट में. तो आप लोगों को सिखाते भी, वो भी बनाते हैं पॉटरी? अरे वाह, तो ये तो मुझे भी बनाना है आज, तो इसमें तो बहुत मज़ा आएगा. और ये क्या क्या बनाया हुआ है यहाँ पे? अच्छा, हाँ जी, इको फ्रेंडली. अरे वाह, बहुत सुंदर. ये सब आपने बनाए? ये 100 पीस के लिए. अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर. सब कलर भी किए हुए हैं इसके ऊपर? अच्छा, वाह, 6 घंटे. माय गॉड. ओके, इनको बनाने के बाद बेक करते हैं. अच्छा, ओह, अच्छा, इसमें बेक किया जाता है उसके बाद, तो ये पक्के हो जाते हैं? अच्छा, तो ये मार्केट में सेल भी होते हैं? कितना प्राइस होता होगा इसका? अच्छा, हाँ हाँ, कितने का होता होगा जैसे अंदाजन? ओके, सो आप यहाँ पे आ सकते हैं इनकी सुंदर सी शॉप पे, और यहाँ से आप सेल भी करते हैं तो यहाँ से खरीद भी सकते हैं. अच्छा, ओके, वंडरफुल. क्या नाम है शॉप का? ठीक है, ओके, तो आप इनकी शॉप पे ज़रूर जाइएगा. इनकी शॉप देवी राम जी के हैं, टेराकोटा का, ये ऐसे क्ले का बनाते हैं, तो शॉप पे ज़रूर विज़िट करिए. अगर आप वंडरफुल, बहुत सुंदर. एक बार मशीन चलाइए, मैं भी बनाऊँगी जी जी जी, मैं इस पर ज़रूर बनाऊँगी. यस, साइड से आप इसको पकड़ो, बिल्कुल धीरे धीरे, राइट थंब से सेंटर में प्रेस करो. यस, यस मैम, बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है आपको. पहले इसको कंट्रोल करो साइड से, दोनों हैंड से. यस, बिल्कुल धीरे धीरे फिर से लगाओ इसी पे आप. यस, ए, हो गया. अब नीचे से बंद कर. ओके, बन गया. हाथ में रखो, एक मिनट. अरे वाह, मैं फोर्थ फ्लोर पर आ चुकी हूँ और मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ. वहाँ पर मेरी डॉटर ऑलरेडी है. सो लेट्स वेट. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे टू यू आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। प्लीज़ शावर योर ब्लेसिंग्स एंड लव।